हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। और आज हम एक और बड़ी मज़े की वीडियो देखेंगे, दैट इज़ डॉन टू का इसके प्रेजेंट सीन। डॉन टू मूवी तो सबने देखी होगी वैसे भाई, बिकॉज शाहरुख खान की जो बहुत अच्छी रिसेंट टाइम में मूवीज़ आई थी, वैसे ये भी रिसेंट नहीं, अब काफ़ी टाइम हो गया, तो उनमें ये एक मूवी थी डॉन एंड देन डॉन टू। डॉन को तो कहीं पता नहीं कितने मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सो लेट्स सी दिस। दो दिन बाद यहाँ के किचन के सामान की डिलीवरी होने वाली है। मुझे वो जाने तक की ड्यूटी चाहिए जितनी जल्दी हो सके। डू इट प्लीज। ओके। अब क्या? अब सैटरडे तक इंतजार करो। क्यों? सैटरडे को क्या होगा? मेरा वकील मुझसे मिलने आ रहा है। और कोई सवाल? हाँ, एक और सवाल है, पूछ सकता हूँ? नहीं। मिल गया जवाब। गुड नाइट। आज रात को निकलना है। यू रेडी? ओह यस। Hey, you want to eat my food? You don't want? Hate fish. Woo! Help, my friend is very sick, he's dying. Thank you, my friend is very sick. वेरी नाइस एंड वेरी स्मूथ प्लान। ये मूवी मैंने देखी थी लेकिन मुझे ये वाला सीन याद नहीं था बिल्कुल। मैंने बहुत पहले देखी थी तो अब याद भी नहीं ठीक था। मुझे वो वाला याद है कि जहाँ ये जाते हैं कुछ चुराने शुराने और एग्जिट प्लान नहीं होता एंड देन आगे सारी तो आप लोगों ने देखी होगी। सो इट वाज अ क्वाइट स्मूथ किस्म का सीन। बहुत सारी मूवीज़ जो प्रिजन और फिर उसमें से कैसे निकलना है उसके बारे में बहुत सारी मूवीज़ अब देख ली हैं। तो जब मैं ये देख रहा था वो स्टार्ट में जब मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए ना, तो मेरे जहन में एक और मूवी घूम रही थी, वो कुछ हॉलीवुड की मूवी, तो उसमें भी मिलता जुलता सीन ही था कुछ हद तक, तो मुझे वो एकदम से याद आ गई। तो इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज़ हैं और काफ़ी स्मूथ किस्म के ये प्लान्स बनते हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि काफ़ी सारी ना केमिकल्स के बारे में और काफ़ी चीज़ों के बारे में लोगों को नॉलेज आ जाता है कि कौन से किसको मिक्स करें तो एक्सप्लोसिव बनता है और वो ये तोड़ देगा और वो तोड़ देगा, कौन सी वाली चीज़ किस खाने में मिलानी है जिससे लोग बीमार हो जाएंगे। तो इस तरह से ये कुछ एजुकेट भी कर रहे होते हैं नेगेटिवली लोगों को, पता नहीं वो चीज़ें जो वो बोली जा रही होती हैं कही जा रही होती हैं किस हद तक एक्चुअल में पॉसिबल होती हैं, या वो आई थिंक बहुत लेस इफेक्टिव चीज़ों को बहुत हाईली इफेक्टिव दिखाया जाता है और फिर उससे पूरा एक सीन जनरेट किया जाता है। बट आई लाइक दीज काइंड ऑफ मूवीज़ और इस टाइप की मूवीज़ जिसमें बड़ी टेक्निकली वो प्लान करते हैं चीज़ों को, मतलब हीरो को कुछ सुपर पावरफुल अचानक से नहीं दिखाया जाता बगैर किसी वजह के इतनी पावरफुल हो गया और वो बहुत कुछ कर लेता है, बल्कि कुछ टेक्निकलिटीज़ को साथ में जोड़ के और फिर बताया जाता है कि कैसे वो अनबिलीवेबल किस्म की चीज़ें करता है। तो वो मुझे ज़्यादा पसंद है, दैट्स वाई इस तरह की चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद आती हैं। खैर, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी एंड इस सीन के बारे में और इस मूवी के बारे में अगर कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू, नेक्स्ट कौन सी वीडियो देखूँ ये आप मुझे बताएंगे। सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।